नमस्कार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के थ्योरी का डिस्कशन किया था। अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के क्लास में बनाएंगे। लेकिन हम प्रॉब्लम्स बनाना शुरू करें इसके पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ सो दैट कि कोई भी नया लेक्चर जब हम लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप लाइक भी करें और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें। आप मेरे मेल पे लिख सकते हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आज हम लोग कुछ उस चैप्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी बनाने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम है द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ एंड द पोजिशन एक्स ऑफ ए बॉडी इज एज शोन इन द फिगर। The work done in displacing the body from x is equal to 1 meter to x is equal to 5 meter will be what? एक बॉडी है जो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स x कोऑर्डिनेट के साथ वैरी कर रहा है, किस तरह से वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। अलग अलग पोजिशन पे बॉडी पर लगने वाला फोर्स अलग अलग है, वेरिएबल फोर्स है, और वो कैसे वैरी कर रहा है x कोऑर्डिनेट के साथ वो इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो x is equal to 1 meter से x इज इक्वल टू 5 मीटर के बीच के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बॉडी पर लगने वाले इस फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया वर्क बताना है अपने को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये पहले बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा, एक वाई कॉम्पोनेंट होगा और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो फोर्स का जो ये वाई कॉम्पोनेंट है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर होगा, तो इसके द्वारा बॉडी के उस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई वर्क नहीं किया जाएगा, वर्क सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट के द्वारा किया जाएगा। तो अगर बॉडी के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क की बात हम लोग करेंगे एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर कैसे लिख सकते हैं, डॉट डी आर को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और टोटल वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ये है क्या एक्चुअली, आप इसको देखेंगे, अगर एक एक्सिस पर बॉडी पर लगने वाले फोर्स को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर पोजीशन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करें, और सपोज कीजिए वेरिएबल फोर्स है, ये कैसे भी वेरी कर सकता है, लेकिन किसी गिवन केस में मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट के वेरी करने के साथ फोर्स इस तरह से वेरी कर रहा है, तो एफ का एक्स के साथ जो ये ग्राफ है और एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का ये एरिया क्या बताएगा। ये एफ एक्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, फोर्स के एक्स कॉम्पोनेंट को, जो बॉडी का लाइन ऑफ मोशन है उसके लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग जो फोर्स का कॉम्पोनेंट है उसको हमने इस एक्सिस पे प्लॉट किया है और इस एक्सिस पे पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लॉट की गई है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट की गई है। ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो देखेंगे इस टोटल एरिया को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक एलिमेंटल स्ट्रीप इस तरह का कंसीडर करें डी एक्स थिकनेस का, सपोज कीजिए ये एफ एक्स है, तो एक स्ट्रीप का एरिया क्या हो जाएगा, एक स्ट्रीप का एरिया हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे एक स्ट्रीप का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रीप हम लोग मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिप्स को मिला करके इस पूरे एरिया को बना हुआ माना जा सकता है, और ये सारे के सारे स्ट्रिप्स x1 से x2 के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो सारे के सारे स्ट्रिप्स के एरिया का अगर सम ले लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा इंटीग्रल, चूँकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम लेने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक वैसे वैसे स्ट्रिप्स फैले हुए हैं x1 से x2 तक, और यही है वर्क डन। मतलब यहां से हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि
बॉडी के लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स, उसका एक्स के साथ जो ग्राफ होगा, एफ एक्स का एक्स के साथ जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ और एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स एट एक्स वन एंड एक्स टू के बीच का टोटल एरिया गिवन डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बॉडी पर लगने वाले फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया वर्क बताएगा। दूसरी बात, अगर बॉडी पर लगने वाला फोर्स का कंपोनेंट लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग बॉडी पर लगने वाले फोर्स का कंपोनेंट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है एक्स कंपोनेंट, और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल पाई होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्स के पॉजिटिव एक्स कॉम्पोनेंट को हम लोग ऑरिजिन के ऊपर दिखाएंगे, फोर्स के निगेटिव एक्स कॉम्पोनेंट को ऑरिजिन के नीचे दिखाएंगे। ऑरिजिन के नीचे का मतलब फोर्स का एक्स कंपोनेंट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, वर्क डन निगेटिव होगा, और इसलिए क्या करेंगे, पोजीशन एक्सिस के नीचे के एरिया को निगेटिव लेंगे, ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज ये निगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स इज इक्वल टू वन से एक्स इज इक्वल टू फाइव के बीच के बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बॉडी पर लगने वाले इस फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया वर्क हमें निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एफ एक्स कर्व के अंदर का एरिया निकाल लेंगे एक्स इज इक्वल टू वन से एक्स इज इक्वल टू फाइव के बीच। तो देखा जाए वन से टू के बीच ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इस एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 into 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 10 units पॉजिटिव। ये एरिया कितना हो जाएगा, 5 into 1 5 units। ये एरिया कितना हो जाएगा, 5 है इधर निगेटिव होगा और 1 5 into 1 -5 units। -5 क्यों, जैसा कि मैंने कहा इसके नीचे के एरिया को निगेटिव लेंगे, -5 units। और ये एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है, 1/2 into base into height तो 1/2 into 1 into 10 तो ये हो जाएगा 5 units। ये वाला एरिया हो जाएगा +5 units। तो x इज इक्वल टू वन से x इज इक्वल टू फाइव के बीच का टोटल एरिया जोड़ दीजिए, 10 + 5 15 + 5 20 - 5 15, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा +15 joule, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक दूसरा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर, कैसे एरिया के अंदर एफ एक्स कर्व के एरिया का अंदर का ग्राफ जो एरिया होगा ग्राफ के अंदर का वो कैसे वर्क देगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। ये सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 केजी इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स विच वैरीज विथ डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट्स स्पीड एट एक्स इज इक्वल टू 12 meters इज व्हाट। अब देखिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज जीरो, और जब बॉडी x इज इक्वल टू 12 meters वाले पोजीशन पे होगा तब उसका स्पीड क्या होगा। अब इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, बॉडी के x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 12 meters के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बॉडी पर लगने वाले फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया अगर वर्क निकाल लें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और वर्क कैसे निकालेंगे, एफ एक्स ग्राफ के अंदर का एरिया, तो 0 से 12 के बीच का एरिया निकाल लेते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 into base into height। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 4 units और ये 10 units, तो 10 into 4 प्लस फिर इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 into base into height, और चूंकि ये वर्क डन आ जाएगा तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। तो वर्क कितना आ गया, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, 40 और 40, 80 जूल का वर्क आ गया। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ये जो टोटल वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वेयर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा 80, दैट इंप्लाइज हाफ एम वी स्क्वेयर इज 80, तो वी स्क्वेयर इज 2 इंटू 80 बाई एम, और मास ऑफ द बॉडी इज गिवन टू बी इक्वल टू 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अगर 0.1 लेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 800, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1600, तो वी इज इक्वल टू 40 meters per second। तो किस तरह से एफएक्स ग्राफ के अंदर का एरिया वर्क देता है, उस कंसेप्ट का भी एप्लीकेशन है इसमें, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके कैसे वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके और बॉडी का स्पीड निकाल सकते हैं, उस आइडिया पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम लोग एक तीसरा सवाल बनाते हैं, ये एक सवाल हम लोग देखते हैं, इक्वल फोर्स एफ विच इज ग्रेटर देन एम जी इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग इन ऑल द थ्री केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, the point of application of force moves a distance of 2 meter down in all cases in which case the block has maximum kinetic energy, तीनों ही केसेस में फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां है वहां से 2 मीटर नीचे आता है, तीनों ही केसेस में, तो इन तीनों मासेस इक्वल हैं, किस वाले केस में, केस वन में, केस टू में, केस थ्री में, किस वाले केस में ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उतने देर में जितने देर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 2 meters नीचे आता है। अब यहां पर फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन मास इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंस इन ऑल द थ्री केसेस ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन ऑल द थ्री केसेस आर जीरो, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम किस केस में होगा, जिस केस में ब्लॉक पर नेटवर्क डन सबसे ज्यादा होगा। तो अब देखते हैं इस वाले केस में, क्योंकि स्ट्रिंग की इनएक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो इधर लंबाई जितनी बढ़ेगी इधर उतनी घटनी पड़ेगी, तो ये 2 meters नीचे जाएगा तो ब्लॉक 2 meters ऊपर जाएगा, तो इस वाले केस में 2 forces लग रहे हैं, जितना फोर्स स्ट्रिंग के इस वाले एंड को आप खींचेंगे स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही डेवलप करेगा, तो एफ ऊपर एम जी नीचे, अब एफ ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 meters ऊपर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 degrees, एफ इंटू 2 × 1 = 2f, और इसका फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल पाई, तो 2 meters डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स एम जी नीचे, तो m और m में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मीटर में पूरा लिख दे रहा हूं, तो 2mg cos pi, तो इस पर नेटवर्क कितना हो जाएगा 2f माइनस 2mg, इस फर्स्ट वाले केस में ब्लॉक पर नेटवर्क इतना होगा और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चूंकि जीरो है तो के माइनस जीरो मीन्स के मीन्स यही काइनेटिक इतना ही काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास होगा फाइनली। इस वाले केस में देखें जितनी देर में ये पुली 1 meter ऊपर जाएगा ब्लॉक भी 1 meter ऊपर जाएगा, दोनों सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, और अगर ये 1 meter ऊपर जाएगा तो इस वाले सीगमेंट की लंबाई 1 meter घटेगी, इसकी लंबाई 1 meter घटेगी, तो इधर 2 meters घटेगी, मीन्स जितने देर में ये 2 meters नीचे जाएगा ये 1 meter ऊपर जाएगा, और इस एंड को स्ट्रिंग के इस एंड को अगर आप एफ से खींच रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन तो एफ डेवलप कर जाएगा, तो एफ और एफ ऊपर और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन मान लीजिए एफ डैश डेवलप करता है, तो यहां पे इस वाले पुली के केस में 2F ऊपर हो जाएगा F और F और F डैश नीचे हो जाएगा, तो 2F माइनस F डैश इज इक्वल टू पुली को हम लोग लाइट मानेंगे तो 0 × a 0, तो F डैश इज 2F।
अब इस केस में देखिए, जितना देर में ये दो मीटर नीचे आएगा ये एक मीटर ऊपर जाएगा, मतलब ब्लॉक एक मीटर ऊपर जाएगा। तो एफ डेस्ट के द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा, एफ डेस्ट इंटू वन, और एफ डेस्ट टू एफ के बराबर है, टू एफ इंटू वन मीन्स टू एफ, और इसका वर्क कितना हो जाएगा, एम जी इंटू वन इंटू कॉस पाई, तो माइनस एम जी। तो इस वाले केस में ब्लॉक पर टोटल वर्क कितना होगा, और यही ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फाइनली। इस वाले केस में जितने देर में ये पुली x मीटर ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक भी x मीटर ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक अगर x मीटर ऊपर जाएगा तो इस सेगमेंट की लंबाई x मीटर घटेगी, इसकी लंबाई x मीटर घटेगी, इसकी लंबाई x मीटर घटेगी, और ये तीनों की लंबाई टोटल जितनी घटेगी इधर लंबाई उतनी बढ़ेगी, और ये वाला एंड जहां था वहां से दो मीटर नीचे गया है। तो एक्स 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 थ्री एक्स इज इक्वल टू टू मीटर, तो एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री मीटर, मीन्स ये ब्लॉक जहां था वहां से टू बाई थ्री मीटर ऊपर जाएगा उतनी देर में जितने देर में ये वाला एंड दो मीटर नीचे आता है। अब इस रस्सी में टेंशन एफ एफ एफ, और मान लीजिए इसमें एफ डबल डैश्ड, एफ डबल डैश्ड, अगर इस पुली की बात हम लोग करें तो एफ ऊपर एफ ऊपर एफ डबल डैश्ड नीचे, तो 2f माइनस एफ डबल डैश, पुली को लाइट मानिए 0 इंटू ए 0, तो f डबल डैश इज 2f। अब इसके द्वारा इस पर कितना वर्क होगा, f डबल डैश इंटू 2 बाई थ्री, मतलब 2f इंटू 2 बाई थ्री, तो इसका वर्क हो जाएगा 2f इंटू 2 बाई थ्री, और इसका वर्क होगा f इंटू 2 बाई थ्री, f इंटू 2 बाई थ्री, तो ये हो जाएगा 4f बाई थ्री, 2f बाई थ्री, 6f बाई थ्री, मतलब 2f। तो 2f पॉजिटिव वर्क, और mg का वर्क mg नीचे और 2 बाई थ्री ऊपर, तो mg इंटू 2 बाई थ्री इंटू कॉस पाई। तो इस केस 3 में इस बॉडी पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस के द्वारा बॉडी के गिवन डिस्प्लेसमेंट के दरमियान किया गया टोटल वर्क हो जाएगा 2f माइनस 2 बाई थ्री एम जी, और यही हो जाएगी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें 2F में से 2mg घटाया गया है, इसमें से 2F में से mg सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसमें mg से भी कम सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा ब्लॉक की होगी केस 3 में। सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ई के विथ डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड। देखिए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। टी इज, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो होगा टी इज इक्वल टू जीरो, हम उसी टाइम को ले रहे हैं, और उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। चारों ही केसेस में ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर विल बी जीरो बिकॉज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वेयर हो गया टू एस, और काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ए एस, यह है आपका काइनेटिक एनर्जी ई के। और आप देखेंगे बॉडी का मास कांस्टेंट एंड बॉडी एक्सेलरेट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए भी कांस्टेंट, तो ये पूरा चीज कांस्टेंट है। तो अगर इक्वालिटी को हम
प्रोपोर्शनैलिटी में तब्दील कर दें तो ये कांस्टेंट हटा लेंगे तो ई के प्रोपोर्शनल टू एस, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड गिवेन बाय दिस एक्सप्रेशन, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस वन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स नॉट। नाउ दिस फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज ए केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, बिकॉज फोर्स एक्स का फंक्शन है, बॉडी के अलग अलग पोजिशन पे बॉडी पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसका वर्क कांस्टेंट फोर्स की तरह नेट फोर्स का नेट डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी करके तो निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉडी के इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकालेंगे और फिर ऐसा बोलेंगे कि वैसे ही छोटा छोटा इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट करते करते बॉडी जीरो से लेकर के टू एक्स नॉट तक गया होगा और हर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान उस पर लगने वाले फोर्स के द्वारा उस पर वर्क किया गया होगा, उन सारे वर्क्स को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज कॉन्टिन्यूसली बॉडी मूव कर रहा है। तो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के दरमियान बॉडी पर लगने वाले इस फोर्स के द्वारा बॉडी पर कितना वर्क किया जाएगा एक्स से एक्स प्लस डीएक्स तक जाने के दरमियान। तो चूंकि फोर्स भी लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मीन्स एफ नॉट एक्स बाई एक्स नॉट माइनस वन डी एक्स और ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स डी एक्स माइनस एफ नॉट इंटू डी एक्स और ऐसा ही इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट करते करते बॉडी एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू टू एक्स नॉट तक गया होगा, तो उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बॉडी पर लगने वाले इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा बॉडी पर किया गया वर्क निकालने के लिए जो ये इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क का एक्सप्रेशन आया है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो W हो जाएगा इंटीग्रल एफ नॉट बाई एक्स नॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू टू एक्स नॉट माइनस एफ नॉट डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू टू एक्स नॉट और ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एक्स नॉट इंटीग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू एक्स नॉट माइनस एफ नॉट इंटीग्रल डी एक्स फ्रॉम जीरो टू टू एक्स नॉट और ये क्या हो जाएगा। अब ये x टू दी पावर n dx वाले फॉर्मूले पर आधारित है जिसका इंटीग्रल होता है x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन और n यहां वन है तो x टू दी पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू, उस टू को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा f नॉट बाई टू एक्स नॉट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिमिट जीरो से टू एक्स नॉट माइनस एफ नॉट डी एक्स का इंटीग्रल एक्स जीरो से टू एक्स नॉट तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई टू एक्स नॉट फोर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो माइनस एफ नॉट एक्स नॉट और ये हो जाएगा टू एफ नॉट एक्स नॉट माइनस टू एफ नॉट एक्स नॉट होगा लिमिट इज टू एक्स नॉट टू एफ नॉट एक्स नॉट एंड इट इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस वाले फोर्स के द्वारा बॉडी के जीरो से टू एक्स नॉट तक डिस्प्लेसमेंट के दरमियान किया गया वर्क जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवेन बाई
U इज इक्वल टू माइनस सेवन एक्स प्लस 24 वाई जूल, एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स। एट T इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, T इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे है एंड मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें बताना है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकेंड क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू जीरो वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन से 90 डिग्री पे है, क्या पार्टिकल का मोशन का पाथ सर्कुलर है। तो मैंने बताया था, यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है। अब हम पहले बॉडी पर लगने वाला फोर्स निकालना चाहेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव ले लेंगे तो बॉडी पर लगने वाले फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके और उसका नेगेटिव ले लेंगे तो बॉडी पर लगने वाले फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। और फोर्स निकल गया, मास दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, एक्सेलरेशन पता हो जाएगा तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बॉडी पर लगने वाले फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ध्यान रखिएगा, माइनस सेवन एक्स प्लस 24 वाई। तो ये हो जाएगा माइनस सेवन अगर बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस सेवन और डेल एक्स बाई डेल एक्स वन, और इसमें दोनों चीजें कांस्टेंट हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए वाई वेरिएबल है, लेकिन इस ऑपरेशन के दरमियान उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करवाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। और एफ वाई हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई माइनस सेवन एक्स प्लस 24 वाई, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो तो ये हो जाएगा माइनस 24। तो इस तरह से बॉडी पर लगने वाले फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स आई कैप मीन्स सेवन आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप मीन्स माइनस 24 जे कैप न्यूटन। तो हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे फोर्स बाई मास, मास ऑफ द बॉडी इज 5 केजी, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज 7 बाई 5 आई कैप माइनस 24 बाई 5 जे कैप एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 बाई 5 आई कैप प्लस 24 बाई 5 माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें पता है तो ये हो जाएगा 7 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 24 बाई 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 बाई 25 प्लस 576 बाई 25, तो अंडर रूट 625 बाई 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज करेक्ट। अब देखिए बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में ना पोजिशन कोऑर्डिनेट है ना टाइम है, तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है अपने मोशन के दरमियान। और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पर की वेलोसिटी हमें पता है तो 4 सेकेंड बाद की जो वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू जीरो विच इज गिवेन टू बी इक्वल टू 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप प्लस ए टी। सो व्हाट इज ए, ए इज 7 बाई 5
आई कैप माइनस 24 बाई 5 जे कैप इंटू टी 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप और 28 बाई 5 तो ये हो जाएगा प्लस 5.6 आई कैप और ये हो जाएगा 96 बाई 5 तो माइनस 19.2 जे कैप। और इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड को 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। फिर हमें देखना है कि क्या t इज इक्वल टू 0 पर जो बॉडी की वेलोसिटी थी और बॉडी के एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आया, क्या ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम t इज इक्वल टू 0 पर जो बॉडी की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और उसका जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। अगर वो 0 आ गया तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर वो 0 नहीं आया तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्सेलरेशन के साथ, तो ये हो जाएगा 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 7/5 आई कैप माइनस 24/5 जे कैप के साथ, तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 100.8/5 माइनस, ये भी शायद आ जाएगा 100.8/5 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 मींस व्हाट, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो थर्ड ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इनिशियली इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ए सर्कल, ये गलत है बिकॉज सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि इवन इफ कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कम से कम वैरी करते रहता है। सर्कुलर मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता और यहां बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का पाथ सर्कल नहीं है। सो दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। अभी एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, टू इक्वल मासेस आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, द मासेज आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाई ए लेंथ एक्स ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, द वर्क डन बाई द स्प्रिंग ऑन एनी वन ऑफ द मासेज इज वॉट। ये एक स्प्रिंग है के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का, इसके दोनों एंड से इक्वल मास के दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं और ये पूरी की पूरी सिस्टम एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है। दोनों ब्लॉक्स को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा करके इस तरह से हम लोग खींच रहे हैं कि ये स्प्रिंग सिमेट्रिकली स्ट्रेच होता है। सिमेट्रिकली स्ट्रेच होने का मतलब ये ब्लॉक जहां है वहां से जितना राइट डिस्प्लेस होगा, ये जहां है वहां से उतना ही लेफ्ट डिस्प्लेस होगा, इस तरह से कि ये स्प्रिंग टोटल एक्स से स्ट्रेच होती है। मतलब ये वाला ब्लॉक एक्स बाई टू राइट डिस्प्लेस होगा, ये वाला ब्लॉक जहां है वहां से एक्स बाई टू लेफ्ट डिस्प्लेस होगा और ये स्प्रिंग टोटल एक्स से स्ट्रेच होगी। इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान स्प्रिंग के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर, इस पर या इस पर, क्योंकि दोनों के सिचुएशंस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए स्प्रिंग जितना वर्क इस पे करेगी उतना ही वर्क इस पे करेगी। तो स्प्रिंग के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर कितना वर्क किया जाएगा ये हमें बताना है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं
दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग को पहले हम एक सिस्टम मान लेते हैं। अब इस सिस्टम पर mg के द्वारा कोई वर्क होगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और mg 90 डिग्री पे होगा। उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क जीरो होगा, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस ब्लॉक पर जितना वर्क करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पर उतना ही वर्क करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस होते हैं और दोनों ब्लॉक पर फोर्सेस भी इक्वल लगाए जा रहे हैं और ये फोर्सेस कॉन्स्टेंट है। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए ये टोटल एक्स बाई टू से डिस्प्लेस होता है और कॉन्स्टेंट फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो डिग्री एफ एक्स बाई टू, इसके द्वारा इस पर वर्क होगा। एफ एक्स बाई टू इसके द्वारा इस पर वर्क होगा, तो टोटल एक्सटर्नल वर्क ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा? टोटल एक्सटर्नल किसी एक फोर्स के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, अगर उसको डब्ल्यू एक्सटर्नल बोलें तो इसके द्वारा इस पर डब्ल्यू ई एक्स टी, इसके द्वारा इस पर डब्ल्यू ई एक्स टी, तो टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू इंटू डब्ल्यू ई एक्स टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि टोटल एक्सटर्नल वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो फाइनली भी दोनों ब्लॉक्स रेस्ट में हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। रेफरेंस लेवल अगर इसको ले लें तो शुरू में भी दोनों ब्लॉक्स रेफरेंस लेवल पर ही थे, फाइनली भी दोनों ब्लॉक्स रेफरेंस लेवल पर ही हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियली और फाइनली जीरो। स्प्रिंग शुरू में नेचुरल लेंथ में था, अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड था, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, बट फाइनली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई एक्स, तो फाइनली स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो नेट एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? सिर्फ इसके एनर्जी में चेंज हुआ है तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर किया गया वर्क वो हो जाएगा 1/4 के एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। मान लीजिए इस राइट वाले ब्लॉक पर लगाते हैं, तो राइट वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? mg लगेगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इन सारे फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क्स का सम इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस पर कितना वर्क किया गया वो पता है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर किया गया वर्क, यही निकालना है, डब्ल्यू स्प्रिंग ही निकालना है। डब्ल्यू ग्रेविटी ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन ये भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, और फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर जब होता है तो वर्क डन जीरो होता है, और ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ब्लॉक का। तो ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और फाइनली भी एक्स स्ट्रेच होने के बाद जब स्प्रिंग एक्स स्ट्रेच हो जाता है तो सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इज जीरो। सो जीरो माइनस जीरो मीन्स वॉट? मीन्स वॉट? डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग ये जीरो इज इक्वल टू जीरो। निकालना अपने को है डब्ल्यू स्प्रिंग, तो डब्ल्यू स्प्रिंग कितना हो जाएगा? डब्ल्यू स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर किया गया वर्क, वो माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज
W स्प्रिंग बराबर W एक्सटर्नल हम लोग निकाल चुके हैं माइनस वन बाई फोर के एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में स्प्रिंग के द्वारा किसी एक ब्लॉक पर किया गया वर्क माइनस वन बाई फोर के एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल ओवरहैंग्स अ टेबल विथ इट्स टू बाई थर्ड पार्ट ऑन द टेबल। फाइंड द वर्क टू बी डन बाई ए पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑन द टेबल। एक चेन है, ये चेन की पूरी लंबाई L है, मास M है, चेन का टू थर्ड लेंथ टेबल पर है और वन थर्ड लेंथ ओवरहैंग कर रहा है। अब इस ओवरहैंगिंग लेंथ ऑफ द चेन को खींच करके और टेबल पर रख देने में, एक्सटर्नल एजेंट को टेबल पर रख देने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। अब हम लोग L लेंथ का मास M है तो चेन के यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, चेन के यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई एल। और क्या करते हैं कि टेबल के लेवल को ही रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो चेन का जो ये वाला पार्ट टू थर्ड लेंथ टेबल पर पड़ा हुआ है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी तो सबकी जीरो है बिकॉज इनिशियली द इंटायर चेन वॉज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, इट वॉज नॉट मूविंग एट ऑल। और अब ये ओवरहैंगिंग पार्ट जो है इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस लेवल से वाई डेप्थ नीचे चेन का डी वाई लेंथ कंसीडर करते हैं, डी वाई लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास होगा एम बाई एल, तो डी वाई लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल डी वाई। और इतना मास रेफरेंस लेवल से y डेप्थ नीचे है, तो रेफरेंस लेवल के नीचे है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, रेफरेंस लेवल पर की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। तो ये जो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट चेन का कंसीडर हम लोगों ने किया है, चेन के इतने पार्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी माइनस m, इसका मास, इसका मास कितना m अपॉन l डी वाई, एम जी और रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है y, तो डी यू हो गया माइनस एम जी अपॉन l y डी वाई। तो ये जो पूरा का पूरा ओवरहैंगिंग पार्ट है चेन का उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो माइनस एम जी अपॉन एल इंटीग्रल वाई डी वाई जीरो से एल बाई थ्री, बिकॉज टू एल बाई थ्री लेंथ तो टेबल पर है और एल बाई थ्री लेंथ ओवरहैंग कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यू इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू जीरो टू एल बाई थ्री। सो माइनस एम जी अपॉन एल, टू को भी बाहर ले लेते हैं और लिमिट जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई नाइन, तो माइनस वन बाई एटीन एम जी एल। इतना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवरहैंगिंग पार्ट का और जो टेबल पर है उसका जीरो, तो पूरे चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली यही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब अगर इस वाले पार्ट जो ओवरहैंग कर रहा है इसको उठा करके और टेबल पे रख देना है और वैसा करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें बताने के लिए कहा गया है। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जब ये ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन भी टेबल पर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा चेन रेफरेंस लेवल पर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जीरो। सो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस
W external is equal to change in mechanical energy. Change in mechanical energy means final mechanical energy minus initial mechanical energy. And what was the initial mechanical energy? Potential energy itna, kinetic energy zero. So initial mechanical energy tha minus 1 by 18 mgl. So yahi answer ho jayega. इस ओवरहैंगिंग पार्ट को खींच करके टेबल पर वापस रखने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, 1/18 इनटू एमजीएल। ये एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन से छोड़ा जाता है रेस्ट से, रेस्ट से मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ओरिजिन इज जीरो। इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल फील्ड गिवन बाय यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट एक्स इज इक्वल टू टू इज व्हाट, टू जूल, वन जूल, 1.5 जूल, जीरो जूल। अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में बॉडी मोशन कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी बॉडी का कंजर्व रहेगा। तो ओरिजिन पर जब बॉडी था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो थी। तो बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसके हर पोजिशन पर जीरो ही होना चाहिए अगर उसको कंजर्व रहना है तब। तो सिंपली आप देख लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू टू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 4-6 माइनस 2 जूल, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को होना है जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस यू, तो माइनस ऑफ माइनस 2 जूल, मतलब x इज इक्वल टू टू पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी 2 जूल। तो थैंक यू वेरी मच, आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आपके साथ आएंगे।